कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से आबोहवा में वायु प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्य एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। आसमान में स्मॉग की चादर साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दिवाली के बाद प्रदूषण में इजाफा देखा गया। फिर पराली जलाने की घटनाओं के बाद जो प्रदूषण का स्तर था वो लगातार बढ़ता रहा, लेकिन बीते कुछ दिनों में प्रदूषण में कोई कमी दर्ज नहीं की गई और अब एक बार फिर से प्रदूषण का प्रहार देखा जा रहा है। बीते दिनों प्रदूषण में हालांकि कुछ कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब जो हालात हैं वो एक बार सोचने पर फिर से मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है। तो हम आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा दिल्ली शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। वाहनों फैक्ट्रियों पर उचित नियंत्रण क्यों नहीं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर जो कि गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अपनी राय आप हमारे साथ साझा कीजिए। क्या पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण या फिर जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है वो इस प्रदूषण का जिम्मेदार है या हम खुद इस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं? प्रशासन की कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं कामयाब? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप हमें दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 0114321 पर आप हमें कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक विकास जुड़ चुके हैं रोहतक से। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका, बताएं क्या राय है आपकी? जी मैम, बताते हैं आपको कि आज सुबह से ही बादलों में दिखाई नहीं दे रहे हैं और आंखों में जलन हो रही है और अस्पतालों में दमा रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी विकास, सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार है कौन? चलिए, हमारा संपर्क हमारे दर्शक से टूट गया है। फिलहाल रोहतक से विकास हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं आबोहवा में प्रदूषण बढ़ने की वजह से नजर आ रही हैं। सवाल ये कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ा है, आबोहवा में जहर घुल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो जनता टीवी आपसे सवाल पूछ रहा है कि बढ़ते प्रदूषण का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण के लिए क्या किसान जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ पराली से ये प्रदूषण फैल रहा है? बहुत तरीके के सवाल हैं। प्रेम किशोर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रेम किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ है आपका कहना है? मैडम, इसके जिम्मेदार जो हमारे कानून प्रशासन है ना, वो है, कोई सरकार नहीं है जी। सरकारों का काम होता है कह के चले जाना, ये लोग दो दिन फिर रास्ते पे आ जाते, चौथे दिन अपना फिर काम छोड़ देते हैं जी। चाहे वो यूपी हरियाणा पंजाब जो भी है, ये जब आप लोग बताते हैं तो ये लोग थोड़ी सख्ताई करते हैं जी, दोबारा फिर ये छोड़ देते उस काम को जी। तो मतलब ढील दे देना एक वजह है हमेशा। जी मैडम बताइए। ढील दे देना एक वजह है। हाँ, ये जितने भी कानून के जो रखवाले हमेशा, ये जो सरकारें तो आती जाती रहती हैं जी बिल्कुल, पर ये कंटिन्यू 7 साल वर्किंग करने वाले जितने डिपार्टमेंट हैं जी, ये सारी जिम्मेदारी इनकी है जी। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आपके जो विचार हैं उस पर गौर फरमाएगा महकमा और
ढिलाई नहीं बढ़ती जाएगी। प्रवीण कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं, एक और दर्शक हमारे सोनीपत से। प्रवीण, क्या कुछ कहना है आपका? स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मैडम, ये ज्यादातर तो पराली जलाने से तो होता नहीं मैडम जी, पराली पहले भी जलती थी लेकिन इतनी जला रहे अभी आप पराली जलाता नहीं मैडम, कोई बिकी इतनी रही है 3-3-4 हजार रुपए की बिक रही है किले की मैडम, कौन जलाएगा जी? तो किस वजह से लगता है आपको कि ये प्रदूषण देखने को रहता ना जी? वो जला रहा है जी, कोई नहीं जला रहा, मतलब कोई जला नहीं रहा मैडम पराली। तो वजह क्या है प्रदूषण के पीछे, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रदूषण तो बढ़ रहा है। चलिए, प्रवीण हमारे साथ में जुड़े, जिनका जो आक्रोशित भी काफी नजर आ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पराली तो जो है खरीद ली जा रही है, पराली जला कौन रहा है? लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बयां कर रही हैं कि परालियां तो जल रही हैं। पूनम हमारे साथ में जुड़ी है, दर्शक है हमारी जींद से। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है आपको? हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब पराली के कारण तो हो नहीं रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे जो किसान है वो पराली नहीं फूंक रहे हैं, वो अपनी जमा करके उसको सेल कर रहे हैं जी। लेकिन ये धुआं जैसे अनकंट्रोलिंग हो रही है, ये व्हीकल हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये पटाखे हैं, इन पे कंट्रोलिंग नहीं है, कोई भी अपनी धुआं पर्ची कोई भी कर लेके घूम रहे हैं तो करवा नहीं रहे हैं। इतना धुआं फेंक रही है वो गाड़ी, हम देख रहे हैं कोई गैस वाली है, उस पर कंट्रोलिंग नहीं है, जिसके कारण इतना प्रदूषण फैला हुआ कि जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है व्यक्तियों को। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो अहम राय है वो सरकार तक पहुंची होगी और सरकार इस पर विचार भी करेगी। दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है राजेश हमारे साथ में, हमारे दर्शक फतेहाबाद से जुड़े हैं। राजेश, क्या कहना है आपका? स्वागत है आपका, बताएं। यस मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रशासन है वो मैम बहुत ज्यादा ढील चल रहा है मैम। पराली आज से पहले 10 साल भी जलती थी मैम, आज से जो 10 साल पहले किसान पराली जलाता था मैम, और पहले इतना वो भी नहीं था, रोटावेटर कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सारा कारण तो फैक्ट्री और पटाखे और जो गाड़ियां फोकट फेंक रही है इन पे बैन नहीं है, इसके कारण ज्यादा हो रहा है मैम। पराली तो मैम ये देखने वाली चीज है, कई सालों से जलाते आ रहे हैं जी। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राय सरकार तक पहुंची होगी और सरकार कुछ रास्ता निकालेगी, क्योंकि जिस प्रदूषण की बात हो रही है उस प्रदूषण में, उस आबो हवा में हम भी सांस ले रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी सांस ले रहे होंगे। नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं पानीपत से। नवीन, स्वागत है आपका, बताएं क्या कह रहे हैं आपको? नमस्कार जी। जी मैम, ये बताओ ना, पराली तो पहले से मतलब कि जमींदार आदमी है, पराली उसको उसको भैंसों का चारा है तो वो क्यों जलाएगा? उसी से पोल्यूशन थोड़ा हो रहा है इतना। तो ये इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ गई है, ये इतना जो काम हो गया, व्हीकल हो गया, घर घर में मान लो 10-10 गाड़ियां, तो पोल्यूशन तो मैम इससे हो रहा है जी। लेकिन नवीन जी, 48,000 से ज्यादा पराली पंजाब और हरियाणा को मिला करके जलाई गई है। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पराली नहीं जलाई जा रही है। किसान हमेशा ये सोचता है कि मैं अकेला ही पराली जला रहा हूँ, क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन जनता टीवी ये कहना चाहता है कि एक एक करके, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना नवीन जी, उसी तरीके से एक एक पराली जलने से ही ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ नवीन जुड़े हुए थे पानीपत से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पराली की वजह से इतना प्रदूषण नहीं देखने को मिल रहा है और जो अन्य वजहें उन पर नियंत्रण करना चाहिए। संदीप हमारे साथ में जुड़े हैं सोनीपत से। संदीप, बताएं क्या कहना है आपका? हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो चर्चा का जो विषय है वो बेहद अहम है और बेहद आम भी है और खास भी, क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हम सभी से जुड़ा हुआ है कि क्या वाहन और फैक्ट्रियों पर उचित नियंत्रण सरकार ने लगाया? अपने जो नंबर टीवी स्क्रीन पर कॉल फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, जहरीले धुएं के आगोश में लोग समा रहे हैं। और सवाल ऐसे में ये कि क्या महकमे ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई है? क्या पराली जलाने से बढ़ा है प्रदूषण, या फिर बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? अगर पराली नहीं तो कौन है? तो क्या वो आंकड़े झूठे हैं जो कि सामने आ रहे हैं? 48,000 से ज्यादा पराली जला दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा उसमें गुरुग्राम की आबो हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है, आंकड़ा 900 के पार हो गया, यानी कि बेहद खतरनाक। 300 से ज्यादा जो आंकड़ा होता है
वो खतरनाक स्तर पर आ जाता है, और उसके बाद 900 का आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर दिखा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। शमशेर हमारे साथ में जुड़े हैं कैथल से। शमशेर, क्या कहना है आपका? स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी बोले शमशेर जी। नमस्कार जी। जी शमशेर जी बताएं। ये मैं आपको बताना चाहूँ जी, पराली का बहाना क्यों ले रही है ये? हरियाणा में पराली जलाती है तो हरियाणा में ज्यादा नहीं उड़ती दिल्ली से जी? और ये पटाखे जो पटाखे चल रही, क्या इतने जरूरी है कार भाई? इनको बंद नहीं कर सकती। गांव में इतने पटाखे चलते तीन तीन चार चार दिन, गाँव से बोले हुए जी। दिवाली पर ये सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं भाई, दो घंटे जाने हैं, इतना ज्यादा पटाखे दो नंबर में। शमशेर जी, लेकिन अब पटाखा किस बात का? दिवाली खत्म हो गई है, पराली तो अब पराली का तो सीजन है, बासमति है वो तो पराली तो जलती होनी है। अब बासमति अब करीब कुछ ही पराली है, दो बासमति है, उसमें तो किसान रखते हैं या बेचते हैं जी। चलिए, बीज के रास्ता निकालने की जरूरत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंची होगी और सरकार कुछ रास्ता निकालेगी। हमारे साथ में हमारे दर्शक किशन फौजी जुड़ चुके हैं। किशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, भिवानी से जुड़े हैं। किशन जी क्या कहना है आपका? नमस्कार सर। सर हमारा कहना ये है कि अब की बार जो पहले लेबर आती थी उस लेबर की भी कमी है जी। लेबर की कमी है जो धान कटाई करने वाले हैं, जो पहले जो कैथल अम्बाड़ा ये पंजाब में जो कुछ पहले जो 15 09 कटाया था जिन्होंने जी, वो निकलते ही इससे कंपाइन से जी, वो तो पहले जो लिया। अभी तो जो है पराली की कीमत जो है 2500 से 3000 रुपये किले की बिक रही है जी, यानी कि 7-8 हजार पर हेक्टेयर बिक रही है जी। अभी पराली कोई नहीं जला रहा, ठीक है, और लेबर की कमी होने के कारण लोग जो है ना अभी इतने जागरूक हो चुके हैं कि भाई इसको जो है लेबर से कटवा करके सिविल लेबर से और इसके पराली के दाम उठा रहे हैं। अभी इतनी पराली नहीं जल रही है जितना ये कह रहे हैं। ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर ही जी। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं किशन जी कि आपका आक्रोश और आपकी जो राय है वो दोनों सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे और सरकार इसमें सुधार भी लेकर के आए। संदीप हमारे साथ में सोनीपत से जुड़ चुके हैं। संदीप बताएं क्या कुछ आपका कहना है? मैडम जी, ये कहना हमारा तो ये जो पंजाब की और ये दिल्ली एरिया में जो पराली कट रही है ये सारी मशीन से कट रही है जी, और इसका मेन इशू यही है। फिर ये जलाएंगे ये बताओ क्या, लेबर की कमी में कर रहे हैं सब जी। हाँ जी, चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राय सरकार तक पहुंचे और सरकार इसका कुछ हल निकाले। सोनीपत से हमारे जो दर्शक हैं संदीप हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि मजदूरों की कमी है। अनिल कुमार एक और दर्शक यमुनानगर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल क्या कुछ कहना है आपका? हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, बताएं क्या कहना है आपका? मैडम जी, ये जो प्रदूषण है मैडम, पराली जाना एक वजह हो सकती है मैडम जी, एक वजह जी, लेकिन ये सरकार के जो नुमाइंदे एमएलए मिनिस्टर डिपार्टमेंट है इनको मैडम एक आप थोड़ा सा सचेत करो अपने प्रोग्राम के माध्यम से जी। भाई एक पराली जाना एक कारण नहीं है, ट्रैफिक का भी है और बहुत सारे कारण है। ये पहले रिसर्च करें, देखें पूरे देश में, पूरे हरियाणा में नहीं अकेले जी, ये दिल्ली में पूरे देश में देखें भाई, अकेला पराली जलाना एक कारण नहीं है प्रदूषण का। और ये दिल से काम करें, सिर्फ ढकोसला नहीं भाई, ओड इवन नंबर चला दिया हरियाणा में, पराली को दो दोष दे दिया, ये पूरा मतलब सिस्टम देश का सिस्टम, उसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है जी। ये सारा सिस्टम मैडम ये हवा हवाई में बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। मतलब समस्या खड़ी होगी तो एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जला रहे हैं, पंजाब में ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। भाई दिल से काम करो, डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दो, उनकी ड्यूटियां बांटो और सरकार भी इस पे काम करे, तब तो ये प्रदूषण कम हो सकता है, नहीं तो ये ढकोसलेबाजी है सारी सरकार जो कर रही है जी। लेकिन अनिल जी, जमीन पर तो बहुत से किसान है, हजारों किसान है जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं, वो कागजों पे तो नहीं होंगे ना? चलिए, हमारे संपर्क अनिल जी से टूट गया है। रवि कुमार हमारे एक दर्शक हैं जींद से, वो जुड़ चुके हैं। रवि जी क्या कहना है आपका? जी नमस्कार जी। नमस्कार रवि जी, बताएं क्या कहना है आपका? देखिए हजारों किसान हैं जिन पर मामले दर्ज हुए हैं पराली जलाने के लिए जी। किसान ये वादा करता है वो पराली नहीं जलाएगा जी,
बहुत से किसान संगठनों ने सरकार को कहा है किसान पराली नहीं जलाएगा जी। आप किसान की मदद करिए। अकेले हरियाणा में 200 लाख टन पराली पैदा होती है हर जी। साल जी। और किसान के पास सिर्फ 3 सप्ताह का टाइम होता है जी। धान भी निकालनी होती है 3 सप्ताह के दौरान और जमीन भी तैयार करनी होती है और गेहूं भी बोने होते हैं जी। उस दौरान उस पराली को ठिकाने लगाने के लिए उसके उसने लेबर की जरूरत होती है जी। सरकार उसको अगर अतिरिक्त कंपनसेशन दे तो किसान कभी भी पराली नहीं जलाएगा जी। लेकिन किसान क्या करता है, किसान के पास कोई सुविधा है ही नहीं, सिर्फ किसान को टॉर्चर किया जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रदूषण फैला रहे हो, चाहे कुछ भी हो, पानी खराब कर रहे हो, किसान खराब कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है तो किसान प्रदूषण पर, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रहा जी। किसान इतने बड़े पैमाने पर इस पराली को कैसे ठिकाने लगाएगा, कि सरकार को मदद करनी चाहिए, कुछ फैक्ट्रियां, गत्ता फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री कुछ लगाओ जहां पर उस पराली की खपत हो, किसान की पराली खरीदी जाए, किसान को अतिरिक्त बोनस कंपनसेशन दिया जाए, किसान के पास लेबर नहीं होती, अपने परिवार को लगाकर, लेबर को लगाकर अतिरिक्त धन खर्च करके वो पराली को ठिकाने लगा सकता है बगैर जलाए जी। लेकिन सरकार कोई मदद ही नहीं कर रही जी। बिल्कुल रवि जी, तो ये देश प्रदूषण प्रदूषण मुक्त हो सकता है। आपकी जो अहम राय है ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर ध्यान जरूर दे, क्योंकि किसान तो जमीन पर धरातल पर पराली को निपटाने की कोशिश करेंगे लेकिन सरकार को भी सहयोग करना होगा। रामकुमार हमारे दर्शक हैं, गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। रामकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है आपका। संपर्क फिलहाल रामकुमार जी से टूट गया है। आपको बता दें दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है और सवाल ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से धुआं उठ रहा है और धुएं के आगोश में पूरा दिल्ली NCR शहर है। देवेंद्र सिंह काद्यान हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे दर्शक हैं। संपर्क फिलहाल टूट गया है तो आपको बता दें कि आबो हवा में फिर से जहर क्यों घुल रहा है। प्रदीप जुड़े हैं हमारे साथ में रोहतक से। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है आपका। ये ऐसा है जी, ये जो पराली जलाते हैं ना, ये इतना धुआं तो प्रदूषण तो करती है, ठीक है चलो हमने मान लिया बात किसान के लिए, लेकिन गिरफ्तारी करनी है तो FIR करनी है तो दिल्ली में भी करो ना, जो बड़े बड़े उद्योग लगा रखे हैं उनके लिए क्या है। हम तो हमारे तो पराली के ऊपर इतना आरोप लगा देते हैं, कुछ सरकार जो पराली के ऊपर प्रदूषण कर दिया रहना पंजाब में, तो अब जो उद्योग लगा रखे हैं, जो चिमनियां चलती हैं, जो इतना प्रदूषण ट्रैफिक का होता है दिल्ली के अंदर, कोर्ट ने भी बोला कि 60% तो खुद दिल्ली का है जी। तो फिर उसके लिए हमारे लिए दो मापदंड कैसे हो गए कानून के प्रति, हमारे लिए तो FIR और उनके लिए ये जी। सही है, हम तो गलत हो गए फिर किसान दो जी। बिल्कुल प्रदीप जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो राय है ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर ध्यान दे कि दोहरा मापदंड क्यों, अगर किसान के प्रति सख्ती आप बरत रहे हैं तो उन उद्योगपतियों के खिलाफ भी जो है सख्ती बरतें जिन्होंने आबो हवा को प्रदूषित किया है। नन्हे सिंह हमारे साथ में गोरखपुर से जुड़े हैं। नन्हे जी क्या कहना है आपका। मैडम ऐसा है जी, पॉल्यूशन के दो कारण है, एक तो हर टाइम कई बार बारिश हो जाता है दिवाली के बाद जी, और जो किसान पराली जलाती है, पहले तो नहीं इतना जलाते थे जी, और पहले इतनी पराली नहीं जलाते थे, अब ये जो दो चार राज्यों के लोग जाके वहाँ पे काम काज कर रहे हैं ना, दिल्ली NCR XYZ जितने भी शहर हैं, अब यहाँ पे लेबरों की कमी है जी, और मशीनें आ गई टेक्नोलॉजी की जो एट ए टाइम ऑन द स्पॉट सारे काम को कर देती हैं जी। ठीक है मैडम, मतलब जैसे धान गेहूँ की खेती होती है, हम खुद करते हैं, किसान आदमी है जी, तो एक एकड़ जमीन काटने के लिए हमको कम से कम 2 दिन लग जाता है जी, आज के टाइम में आधा घंटा लगता है जी, और उसको फूंकने के लिए सिर्फ लगते हैं 15 मिनट जी, और जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उस पराली का कोई उपाय नहीं बना रही है कि ट्रैक्टर के द्वारा उसकी जुताई कराई जाए जी, या बिल्कुल, वो खाद बन सके। अब एक एकड़ के ऊपर अगर खर्चे करते हैं तो इतने की तो हमारी उसमें कीमत नहीं पैदा होती है जितना हम उस पराली को फूंकने के लिए उसमें पानी चलाएं, उतना खेतों को जुतवाएं, ये ऐसी चीजें, तो इसमें गवर्नमेंट की भी लापरवाही है जी।
बिल्कुल नन्हे जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राय सरकार तक पहुंची होगी और सरकार इस पर ध्यान भी देगी, क्योंकि आपकी राय बहुत ही अहम है। और साफ तौर पर दर्शकों से हमने बात करी और लगातार यही राय निकल करके सामने आ रही है कि सरकार को पराली के निपटारे के लिए कोई ना कोई उद्योग स्थापित क्षेत्र में करने पड़ेंगे ताकि पराली का निपटान हो सके। अशोक हमारे दर्शक रोहतक से जुड़े हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी मैम, ये जो पराली जल रही है ना, जो ये प्रदूषण हो रहा है गुड़गांव एनसीआर के अंदर सारे जी, तो ये सारा ना जो पाकिस्तान है जी, वहाँ से भी बॉर्डर लाइन से भी, और जो पंजाब है पंजाब से बहुत ज्यादा आ रहा है। पंजाब के नजदीक जो हरियाणा है वो भी वो भी पराली जला रहे हैं सारे जी जी, तो उसी से ज्यादा प्रदूषण ये 5-6 साल से बढ़ा है ज्यादा से ज्यादा। इससे पहले कोई नहीं था मैम जी, इतना प्रदूषण बिल्कुल नहीं था जी। तो ये सारा हम खुद जाके चेक करके आए हैं, पराली ही काफी जल रही है पंजाब तक जी जी जी। तो अशोक जी, जो किसान पराली जला रहे हैं उनकी तरह उनको आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है मैम, देखिए क्या नाम है, जो पराली ना हाथ से कटा के और उसको मंडी में बेच सकते हैं ये किसान चारा बना के, ये जो मशीन से कटती है ना उसको जलाते हैं ये, दो दो तीन तीन फसलें लेते हैं। देखिए मैं भी किसान हूँ, पर लोगों की ना जो जीवन रेखा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत अहम बात आपने बोली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि लगातार जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और धरातल पर कम से कम इतने लोग तो सुधार लेकर के आएंगे, क्योंकि लोगों की जीवन रेखा बचाना जो है वो बेहद जरूरी है। जिस खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है वो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है। रामकिशन हमारे दर्शक चरखी दादरी से हमारे साथ में जुड़े हैं। रामकिशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं आपकी क्या राय है? मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी राय ये है मैडम जी, जब सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हर गांव में गौशाला खोलो, तो सरकार ये पराली किसानों से लेके गौशाला में क्यों नहीं भेज देती? जी जी, सरकार का मदद कर रही है किसानों की। बिल्कुल, इसको गौशाला में भी तो भेज सकते हैं, तरह का भी काम करेगी और पशु भी रुके रहेंगे। जी जी जी, सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना। दूसरा जितने भी उद्योग है उन पे देखो आप, दिल्ली में और जितने भी भट्ठे हैं, एक किसान 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 का हवा बना दिया सरकार ने। जी बिल्कुल रामकिशन जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बात है वो जनता तक भी पहुंची होगी और सरकार तक भी पहुंची होगी। अंशिका दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। अंशिका क्या कहना है आपका, स्वागत है आपका, बताएं। मैम मेरा यही कहना है कि बहुत पॉल्यूशन है और इस वजह से मुझे तो थ्रॉट में इन्फेक्शन भी हो गया है, तो जिन लोगों को साइनस है और इस तरह की बीमारियां हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो बिल्कुल अंशिका, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो किसानों तक पहुंची होगी, लोगों तक भी पहुंची होगी और वो कुछ एहतियात भी बरतेंगे। तीन मुख्य बिंदु निकल करके बोल जनता बोल में आज सामने आए हैं, वो ये कि किसानों का सारा दोष नहीं है, दोहरा मापदंड सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है, आखिरकार अगर किसानों को दोषी माना जा रहा है तो उद्योगपतियों को क्यों नहीं, उन पर सख्ती क्यों नहीं। दूसरी बात ये कि सरकार किसानों की मदद क्यों नहीं कर रही है, निपटारे में सरकार का सहयोग होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जीवन रेखा आपकी भी है हमारी भी है, ये सरकार को भी समझना होगा और हमें भी, सिर्फ एक के समझ लेने से बात नहीं बनेगी।